हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण एंड्रॉइड पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इस लैपटॉप के बारे में, जो कि है एसएस का वीवो बुक S14। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। बढ़िया, हाँ है बढ़िया, मैंने यूज़ कर लिया है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके रिव्यू के बारे में, जो कि होने वाला है ऑलमोस्ट आफ्टर 8 मंथ्स। हाँ, 8 मंथ्स के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने इसे 8 महीना यूज़ कर लिया है इसका ऑलरेडी। जब मैंने परचेस किया था तभी भी मैंने इसका रिव्यू दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें मुझे जो जो अच्छा लगता है उसके बारे में, एंड जो जो बुरी चीज़ें मुझे लगी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइस, आप जब भी कोई लैपटॉप लेते हो तो आपको ये बातें पता होना ज़रूरी होता है। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं वीडियो में। एंड सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, अगर आप भूषण एंड्रॉइड को पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखो, ये कुछ इस तरह से हमें देखने मिलता है एसएस का वीवो बुक S14 वाला लैपटॉप। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देख लो, देख लो सब पोर्ट्स वगैरह भी देख लो। अगर आपको पहले वाला वीडियो देखना है ना इसके रिलेटेड, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो पहले वाला वीडियो। उसमें मैंने डिटेल में बताया था पोर्ट्स वगैरह के बारे में। वैसे इसमें जल्द से बता देता हूँ आपको, इसमें मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट्स। यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स, एक जो अपना छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है ना, वो मेमोरी कार्ड डिटेल मिलता है आपको, यहीं पर डालने का स्लॉट मिलता है और कुछ नहीं। बाद में आपको मिलता है यहाँ पे एक और आपको USB पोर्ट मिलता है, मतलब टोटल आपको मिलते हैं 3 USB पोर्ट्स। एक HDMI पोर्ट मिलता है। बाद में यहाँ पे Type-C मिलता है आपको कनेक्टर, एंड कनेक्टर मतलब पोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे ये है हेडफोन वाला जैक, यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें इसके अंदर मिलती है। एंड चलिए अभी देखते हैं ये लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा था, ये लैपटॉप का म्यूज़िक सुनने वाला परफॉर्मेंस कैसा था, इस लैपटॉप का मूवीज़ देखने वाला परफॉर्मेंस कैसा लगा, उन सभी के बारे में आपको जानना है ना, पता है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, वो सभी चीज़ें भी हम बात करेंगे वैसे वैसे वीडियो आगे जाएगा वैसे वैसे, लेकिन सबसे पहले तो देख लो इसे कितना लाइट वेट है ना, एकदम लाइट वेट है, एकदम आराम से ऐसे भी पकड़ सकता हूँ मैं, 2 उंगली में भी पकड़ सकता हूँ, इतना लाइट वेट है। ये देखो, 2 उंगली में भी एकदम, बस 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 2 उंगली में पकड़ा है भाई लोग। हाँ नहीं, अभी थोड़ा 4 उंगली में पकड़ा है, ये देखो, ये 2 उंगली में पकड़ा, नीचे वाला हाथ भी नहीं है। तो मतलब लाइट वेट तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बारे में तो आप बिल्कुल कंप्लेंट कर ही नहीं सकते कि ये बहुत हेवी हो जाएगा ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं, एकदम लाइट वेट है, ऐसा एकदम एकदम ही लाइट वेट। कुछ लोग बोल सकते हैं दूसरे हाथ की तरह, तो यहाँ पे दिखा देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया लाइट वेट के बारे में। बात करते हैं इसके म्यूज़िक के परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब म्यूज़िक सुनते वक्त कैसा आपको महसूस होता है वगैरह वगैरह। तो एक गाना सुना देता हूँ, फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं, स्लो वॉल्यूम पे सुनने का कोई मज़ा ही नहीं है, तो फुल वॉल्यूम पे सुन लो। देखो, प्ले कर दिया, थोड़ा आगे लेता हूँ गाना। हाँ ठीक है, देखो देखा आवाज़ कैसा आ रहा है। तो एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आवाज़ ना आपको मतलब एक लिमिट तक अच्छा लगेगा। अगर आप रात में कोई मूवी देखते हो, रात में गाने सुनते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, अगर आप दिन के टाइम में सुनते हो, जैसा भी आप मैं सुन रहा हूँ, तो ये वीडियो में तो खैर थोड़ा ऑडियो करेक्शन होएगा, तो शायद से आपको इतना रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप रियलिटी में इसे यूज़ करते हो ना, तो इसका ऑडियो मुझे कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स। ठीक है ना, मतलब कहाँ पे अब अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है। ठीक है, तो साउंड थोड़ा कम मुझे लगा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको कुछ मूवी वगैरह देखना चाहते हो, अगर आप दोपहर में अगर देखना चाहते हो, तो बाहर की आवाज़ तो आते ही आते हैं, तो आपको शायद से इसे एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करना पड़ सकता है, या तो फिर आपको कोई ब्लूटूथ का हेडसेट वगैरह होता है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, हेडफोन्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सके। अगर हम बात करते हैं गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में, तो उससे पहले तो मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये जो आता है लैपटॉप, ये अराउंड आता है 256 GB का SSD के साथ आता है, 1 TB इसमें हार्ड डिस्क हमें मिल जाती है, एंड 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड होता है NVIDIA का। तो कुछ इस तरह से आपको सभी चीज़ें इसके अंदर मिलती है। अभी बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो सीन ऐसा है अभी कि गेमिंग के वक्त आप एकदम लो पे तो खेल ही सकते हो, मीडियम पे खेल सकते हो, लेकिन एकदम हाई पे नहीं खेल सकते, क्योंकि ज़्यादा हाई पे अगर आप खेलने लगोगे तो ये बेचारा डिवाइस लैग होता है।
मतलब आपको ऐसा धीरे 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 चलते वक्त दिख सकता है चांसेस है, तब आप गेमिंग गेम को जो होता है मतलब देखो ऐसा होता है लो मीडियम हाई अल्ट्रा हाई ऐसे सेटिंग्स होते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक अल्ट्रा हाई पे नहीं खेल सकते, ये मेरा रियलाइजेशन है इस लैपटॉप के साथ। नहीं पता क्यों, हाँ ग्राफिक कार्ड तो 2 GB का है तो शायद से वो भी थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो अगर आप पूरा गेमिंग में जाना चाहते हो तो। अगर अभी बात करते हैं एडिटिंग के बारे में कि अगर आप भाई यूट्यूबर है आप, मैं जैसा अच्छा लगता है कोई अगर यूट्यूबर देख रहे हो तो ठीक है, यूट्यूबर नहीं भी हो या कोई आप नॉर्मली कोई एडिटिंग वगैरह करते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो या नहीं, तो हाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटिंग के वक्त अच्छा चल जाता है, अडोब प्रीमियर प्रो अडोब आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा चल जाता है इसके अंदर, नो इश्यूज़, आप सीधा सी में डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सी ड्राइव में उसमें अडोब प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये चल सकता है, तो उसके बारे में तो कोई आया नहीं। लेकिन अभी अभी लेटेस्ट में ना क्या हो रहा है कि इसके अंदर अडोब प्रीमियर प्रो जो है वो लैग होने लगा है, मे बी उसका थोड़ा मेमोरी वगैरह भर गया होगा तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो अगर वो नहीं था तो उससे पहले तो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलता था, तब इश्यूज़ नहीं था, लेकिन अभी ये शायद से अगर मैंने वो हटा दिया तो शायद से ये अच्छी तरीके से चल सकता है। अगर अभी बात करते हैं गेमिंग के तो हो गया हमने एंड एडिटिंग का हो गया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अभी किसके बारे में बात करना है हमें, साउंड के बारे में भी हमारा हो गया है। एक चीज़ के बारे में मुझे बताना था आप सभी को, क्या थी वो चीज़, हम थोड़ा याद करने दो यार, याद करने दो, याद करने दो, खैर जब भी याद आ जाएगा बता दूंगा, नो इश्यूज़। तो गेमिंग के बारे में मैंने बता दिया, एडिटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं, अरे हाँ याद आया, मेन बात तो रह गई, मेन बात थी कि बैटरी, भाई लोग अगर आप ये लेते हो ना तो यार मतलब मक्खन मक्खन लगता है मेरे पे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इसकी बैटरी हमें मिलती है ना वो मिलती है लगभग 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटे का बैकअप ही आपको देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को, 6 से 7 घंटा कौन देता है रे भाई, मतलब ये दे रहा है फिलहाल के लिए, दे रहा था, दे रहा है नहीं दे रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हर एक लैपटॉप का सीन होता है कि स्टार्टिंग में इसके अंदर ज़्यादा एप्स वगैरह नहीं होता, ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते तो वो दे देता है हमें, तो स्टार्टिंग में मुझे मिलता था 6 से 7 घंटे वाला बैकअप, लेकिन अभी आज की डेट में मुझे मिल रहा है बस 3 घंटे का, 3 से 3.5 घंटे के बाद ये बेचारा अपना डाउन होना एकदम फास्ट फटाफट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप जितना ज़्यादा इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते हो तो उतना ज़्यादा वो कंजम्पशन भी बढ़ा लेता है चला लेता है कंजम्पशन। बाकी खैर अगर अभी बात करते हैं एग्जैक्ट सिचुएशन की, आप इसे परचेस कर सकते हो या परचेस नहीं कर सकते, आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो देखो कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होती है, कहीं कोई भी लैपटॉप लेते वक्त बोलो या कोई भी बड़ा गैजेट लेते वक्त, आपकी डिमांड क्या है, आप इस चीज़ को किस लिए लेना चाहते हो, आपको ये लेकर के करना क्या है, ये आपको ज़्यादा मैटर करता है एंड आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है। तो अगर आप चाहते हो आपको एडिटिंग करना है ले सकते हो, अगर आप चाहते हो आपको गेमिंग करना है ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, गेमिंग के लिए आप मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हो, हाई सेटिंग्स पे अगर आप खेलने जाओगे तो थोड़ा बहुत लैग आप देख सकते हो दिखाई देने मिल सकता है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब आप लेते से पहले देख लो। थर्ड चीज़ आती है कि ये एकदम लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है, देखो ना यार ऐसा ही लेके कहीं पे भी घूम जाओ, घूमते बैठो किधर भी, अगर आप चाहते थे कि आपको मैकबुक लेना है, एप्पल का कोई डिवाइस लेना है एंड उससे कॉम्पिटिशन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये ले सकते हो, पता है मेरे को मैकबुक इतना एकदम हाई फाई वगैरह नहीं है, मैकबुक जैसा दिखता भी नहीं है किसी एंगल से, लेकिन जितना स्लिम है जितना लाइट वेट है ना उससे तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब जब मैंने ले रहा था मैं भी ऐसा सोचा था मैकबुक ले लूँ ऐसा वैसा, लेकिन फिर नहीं बोला मैंने मैकबुक नहीं चाहिए, ये स्लिम वाला मिल गया मुझे उससे टक्कर देने वाला, मैकबुक को तो कोई टक्कर नहीं दे सकता लेकिन स्लिम लाइट वेट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली, तो अच्छा लगता है, तो लाइट वेट के लिए अगर लेना हो तो ले सकते हो, गेमिंग मीडियम सेटिंग्स पे अच्छे अच्छे चल सकते हैं, एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, मूवीज़ का साउंड या म्यूज़िक का साउंड थोड़ा कम है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये बातें आप याद रखना है ये लैपटॉप लेने से पहले, इसकी जो लिंक्स होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा, गियर्स दैट आई यूज़ मैं वो लिंक्स होता है एक वे लिंक दिखेगी आपको, वहाँ पे आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे जो जो डिवाइसेस में फिलहाल यूज़ कर रहे हो, ये ASUS VIVO S14 का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल सकता है, फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल है या नहीं है वो आप जाके चेक कर लो, अगर स्टॉक में होगा तो आप इसे देख सकते हो वहाँ पे, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई चीज़ें हैं तो वो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, समझे?
एंड अगर बात करते तो इसके अंदर शायद से i7 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, जो कि अराउंड जाता है 4 GHz टर्बो बूस्ट। अगर आप करते हो तो टर्बो बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डायरेक्टली आप जब इसे कनेक्ट कर लेते हो ना या से अपने इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये अराउंड 4 GHz तक जाता है इसकी पावर। तो वो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे कभी कभी ज़्यादा पावर पे एडिटिंग वगैरह करना अच्छा लगता है। एंड आपके बैग में ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसे, जगह भी ये कंज्यूम नहीं करने वाला, तो कम जगह में अच्छा लैपटॉप, अच्छा परफॉर्मेंस वाला एक बीस्ट मोड आपको मिलता है तो ले सकते हो। देखो अभी इसके जो जो प्लस पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए, जो जो निगेटिव्स थे वो भी मैंने आपको बताए। अभी फाइनल डिसीजन तो आपको लेना है, आप क्या करना चाहते हो। वैसे मेरे पास एक एसस प्रीडेटर हीलियोस 300 भी है, अगर आप चाहते हो वो वाला लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप दोनों कंपेयर करना है गेमिंग के मामले में, एडिटिंग के मामले में, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं दोनों का भी वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए इतने सारे वीडियोस में कोई कमेंट अगर रह गया, तो फिर आप बोलते हो कमेंट के रिप्लाई नहीं आते, तो इसलिए सीधा इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अभी तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, जिसका नाम है भूषण एंड्रॉइड। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।